हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी के जो क्लोजिंग के एडजस्टमेंट्स होते हैं वो आपके बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे ये इस वीडियो में बताऊंगी। एडजस्टमेंट कौन से जो ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर के कुछ हमारी आउटपुट लाइबिलिटी है जो रह गई है जीएसटी रिटर्न में बताना, तो हम उसको अप टू सेप्टेम्बर तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न तक बता सकते हैं। या कुछ ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको लेना छूट गया है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी रिटर्न्स में, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ तक ले सकते हैं। या फिर आपने ITC ले लिया है और उसको रिवर्सल करना है, गलती से ले लिया है हमने और उसका रिवर्सल है, वैसे ही कुछ लाइबिलिटी हमने एक्स्ट्रा बता दिया और उसका रिवर्सल है, तो ये सारी चीजें आपकी जो बुक्स एंड हो रही है, जब आप बुक्स फाइनल कर रहे हो तो उसको कैसे शो करेंगे, क्या कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जब जीएसटी रिको कर लिया है पूरे साल भर का, GSTR 3B को कंपेयर कर लिया है GSTR 1 से, GSTR 1 को कंपेयर कर लिया है टैली से, उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस आने के बाद आपका कंक्लूजन ये ड्रॉ हो सकता है कि कुछ ITC है जो रह गया है और आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर तक के रिटर्न में ले रहे हैं, या फिर कुछ लाइबिलिटी है जो हमें शो करनी चाहिए थी बट हमने नहीं कर पाए हैं तो वो आप एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कुछ ITC ले लिया उसको रिवर्सल करना है, तो ऐसे आप एक शीट बना लेंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल में कुछ ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, जो कि ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर की GST रिटर्न में लेना रह गया था, उनको अप्रैल महीने की रिटर्न में कंसिडर करा है, कुछ मई में कंसिडर करा है, कुछ सितंबर में कंसिडर करा है, तो ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेट करते हैं एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स में इसको क्लेम किया है। तो जब अब मैं बुक्स क्लोज करूंगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के, तो ये कैसे दिखेगा, तो मैं आपको टैली में बताती हूँ। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपके जीएसटी में, जीएसटी इनपुट में कुछ डेबिट बैलेंस अगर आपका दिख रहा है, टेक्निकली ये जीरो हो जाना चाहिए अगर आपने पूरा का पूरा ITC क्लेम कर लिया है सही तरीके से, बट कुछ ITC ऐसे रह जाता है जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं, तो जीएसटी इनपुट वाले लेजर में कुछ अमाउंट बचेगा। जैसे इस लेजर में आपका 2130 बच रहा है, तो 2130 की जो लिस्ट है इसको जस्टिफाई करने वाला जो अमाउंट है ये आपकी शीट से मैच हो जाएगा जो आपने रिकंसिलेशन बनाया है। यहाँ पर 2127 है, means these are the inputs जो हमने GST return में लेना रह गया है financial year 2021 की, हमने उसको बाद में claim किया है, तो जब हम 31 मार्च की books close कर रहे हैं तो ये मेरे assets हैं, ये मैं claim करूंगी next financial year की return में। तो GST के हिसाब से हम September तक claim कर सकते हैं और income tax के हिसाब से ये हमारा asset है। वैसे ही अगर आपके output में कुछ डेबिट बैलेंस है, अगर आउटपुट में डेबिट बैलेंस है दैट मींस आपको उसको रिवर्स करना है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमें बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउटपुट में 15,255 रुपीस दिख रहा है, मींस कि इस इतने अमाउंट से मैं ज्यादा जीएसटी पे कर चुकी हूँ, कोई क्रेडिट नोट है जो मैंने लेना रह गया है, क्योंकि क्रेडिट नोट से अपनी लाइबिलिटी कम होती है, तो ये मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न में माइनस करा है, तो इस कारण ये डेबिट बैलेंस है। अब एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपने ITC गलत ले लिया है फाइनेंशियल 2021 की रिटर्न में, आपने गलत ले लिया है, उसको आपको रिवर्स करना है, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर उसको रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको CGST इनपुट में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, अगर क्रेडिट दिख रहा है तो मतलब आपका नेक्स्ट ईयर में रिवर्सल होगा। और बात रहती है जब आप रिवर्सल कर रहे हो तो आपको जीएसटी भी जमा करना पड़ेगा, जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, तो उसको हम कैसे बताएं, तो जीएसटी के जो पेमेंट है वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करने वाले हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो वो उसी साल के बैंक से जब आप पे करेंगे तो वो एंट्री पेमेंट की 21-22 में ही फॉल होगी, आपको यहाँ पर प्रोविजन नहीं बताना है। वैसे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो भी आप 21-22 में बताएंगे। तो आप ऐसे अगर आपके ऐसे कुछ इनपुट्स हैं तो इनपुट्स हैं जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में लिए हैं तो जरूर आप देखिए कि आपको उतने से डेबिट दिखना चाहिए, और अगर आपकी लाइबिलिटी कुछ रिवर्स करनी है तो आउटपुट की भी डेबिट बैलेंस आएगा।
एंड जस्ट इसका अपोजिट केस क्या होगा कि अगर आपको इनपुट रिवर्सल करना है नेक्स्ट ईयर में, रिवर्सल किया है आपने रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021, तो इनपुट का क्रेडिट बैलेंस होगा. एंड आपकी कुछ लाइबिलिटी है, कुछ इन्वॉइसेस है जिसपे टैक्स जमा करना रह गया है, कौन सा जीएसटी का टैक्स जमा करना रह गया है, आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी रिटर्न में बता रहे हैं, तो वो क्रेडिट में दिखना चाहिए क्योंकि दैट इज आवर लाइबिलिटी टू पे. तो होप आपको जीएसटी के एडजस्टमेंट समझ आए होंगे कि ईयर एंडिंग की बुक्स में आप कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसको और उसका क्या मतलब है. तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.